गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी स्टार्ट कमेंसमेंट ऑफ वॉर. यस्टरडे आई हैव कंप्लीटेड कमेंसमेंट ऑफ वॉर. एंड कमेंसमेंट ऑफ वॉर मीन्स युद्ध का कमेंसमेंट का युद्ध का कहाँ से आरंभ होता है. मैंने आपको बताया था ईसाई धर्म संबंधहीन मध्ययुगीन के दौर में वार का ईसाई मिशनरी द्वारा वार का आरंभ होता है. मैं आज बताऊंगा आपको कि युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए. क्या किया जाना चाहिए? युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए. जो युद्ध बंदी बना लिए गए हैं, जो किसी देश के द्वारा आक्रमण करते हैं और उन्हें वहां आक्रमण करने के दौरान उस देश में उन्हें युद्धबंदी युद्ध के द्वारा उन्हें उसी देश में रख लिया जाता है और उनके साथ वह कौन सा व्यवहार किया जाएगा. इसका मतलब यह है, आप समझिए कि व्यवहार करने की प्रक्रिया जो होगी वह ऐसी नहीं होगी कि उनके साथ कोई आघात किया जाएगा. उन्हें मारा पीटा नहीं जाएगा. युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ सम्यवहार किया जाएगा, उनके रहने खाने आदि की व्यवस्था की जाएगी तथा जो भी युद्धबंदी होगा वह सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा. और युद्धबंदी जो है, युद्धबंदियों की हत्या करना या कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े वर्जित है तथा इसे संधि का उल्लंघन माना जाएगा. युद्धबंदी जो है अगर पकड़ लिया जाता है तो ट्रीटी के अनुरूप कभी भी उसे ना तो उसकी हत्या की जाएगी और ना ही संधि के अनुसार उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार किया जाएगा. किसी युद्धबंदी को चिकित्सा विज्ञान या किसी अन्य प्रकार के प्रयोगों में तब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि वह युद्धबंदी के किसी हित में ना हो. किसी युद्धबंदी को चिकित्सा, उसको मेडिकल एड, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसी अन्य प्रकार के प्रयोगों में तब तक प्रयोग किया जाना नहीं किया जा सकता जब तक कि वह युद्धबंदी के निजी हित में ना हो. उसका एक्सप्रेस और इम्प्लाइड उसका जो है कंसेंट होनी चाहिए. वो उसकी जो कंसेंट होगी वह उसकी कंसेंट जो होगी पूर्ण रूप से होगी कि मैं ये चीज चाहता हूं, मुझे यह करना चाहिए. अगर उसे इस मामले में उसकी राय लिए बिना उसके साथ कोई बर्बर व्यवहार किया जाता है तो फिर उस देश के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी नियमावली है उसमें दिया गया है. युद्ध बंदियों को सदैव स्थानीय जनता के हिंसक कार्य, अभित्रास युक्त, टर्मिनेशन, इंटरमीडिएशन कृत्यों, अनादर तथा उत्सुकता से बचाना चाहिए. कभी भी युद्धबंदी, अगर कोई युद्धबंदी बना लिया जाता है युद्ध करने वाला, तो उसे किसी अन्य देश के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा. उसका प्रयोग राष्ट्रहित, उसका प्रयोग जो है उसके अनुरूप कहीं भी आप उसको उपयोग में नहीं ला सकते, किसी भी लड़ाई में किसी भी जगह भेज नहीं सकते. युद्धबंदियों के विरुद्ध बलपूर्वक प्रतिकार वर्जित है. क्या वर्जित है? उनके साथ कोई बलपूर्वक प्रतिकार वर्जित है. सभी परिस्थितियों में युद्धबंदियों को अपने पद के साथ आदर का अधिकार है. जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब कोई अपराधी किसी भी जेल में या किसी अन्य कारागार में शिफ्ट होता है तो उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा कि उसकी हत्या हो जाए या उसे वहां मार दिया जाए या जेल का उल्लंघन माना जाता है. अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार जब कोई व्यक्ति युद्धबंदी होगा तो उसके विरुद्ध बलपूर्वक प्रतिकार प्रतिबंधित है, वर्जित है. सभी परिस्थितियों में युद्धबंदियों के अपने पद के साथ आदर का अधिकार है. उनके साथ सम्मानपूर्वक एक सम्मानित राजनयिक रूप से व्यवहार किया जाएगा. कभी भी उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा. युद्धबंदियों के साथ आदर का व्यवहार किया जाना चाहिए.
युद्ध बंदियों को रखने वाले देश का यह उत्तरदायित्व है कि वह उन्हें निःशुल्क भोजन क्या देंगे, निःशुल्क भोजन, चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्रदान करें, निःशुल्क भोजन, चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्रदान करें। अगर वह किसी और अन्य चीज की डिमांड करता है तो भी उसे प्रदान किया जाएगा, लेकिन युद्धबंदी के अनुरूप ही उसे आदर और सम्मान दिया जाएगा। युद्धबंदियों को रखने वाले देश का यह उत्तरदायित्व है कि वह उन्हें निःशुल्क भोजन, चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्रदान करें। अब देखिए, युद्धबंदियों के लिए यह महत्वपूर्ण बिंदु है, जो जब वह युद्धबंदी या युद्ध के क्षेत्र में जाते हैं, किसी देश के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, कोई देश इनको प्रयोग करता है, और प्रयोग करने के दौरान जब दो देश आपस में भिड़ते हैं तो जो युद्धबंदी जहां पकड़े जाते हैं, जिस देश में पकड़े जाते हैं, वहां उन्हें वहीं रोक कर युद्धबंदी बना लिया जाता है। युद्धबंदी बनाने के कुछ प्रयोग ऐसे हैं कि उन्हें उनके साथ कोई शरारती कार्य नहीं किया जाएगा, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, उन्हें सम्मान पूर्वक नागरिक के रूप में रखा जाएगा, और जो संधि हुई होती है देश के साथ, उस संधि के अनुसार उन्हें सम्मान पूर्वक संधि का पालन करते हुए एक यथेष्ट सम्मान दिया जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। डिफाइन वार, व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ वार, व्हाट इज द लीगल इफेक्ट ऑफ वार, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ वार। अब देखिए, आपके सामने तीन सवाल बनते हैं, तीनों महत्वपूर्ण सवाल हैं। डिफाइन वार, मैंने आपको बताया है युद्ध क्या है, युद्ध का आरंभ कब हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ, ईसाई मिशनरियों द्वारा युद्ध का आरंभ होता है। ईसाई, आपको बताया था कि एक समय ऐसा था कि सभी देश गुलाम थे, सभी देश गुलाम होकर जो है टैक्सेस और अन्य चीजों का उपयोग इंग्लैंड करता था और अपने ही देश में उसका प्रयोग अपने हित में करता था। लीगल इफेक्ट ऑफ वॉर, युद्ध का प्रभाव, युद्ध का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि जो निर्मम हत्या नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, अमानवीय निर्मम हत्या नहीं होनी चाहिए। जहां पर लोग बसते हैं, जहां पर लोग रहते हैं, जनजीवन का जहां प्रवेश होता है, वास होता है, वहां पर नहीं रखा जाएगा। लीगल इफेक्ट ऑफ वॉर, तो उसको, उस पर कभी भी प्रहार नहीं किया जाएगा युद्ध के दौरान। नंबर थ्री, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ वॉर, युद्ध का टर्मिनेशन की प्रक्रिया वह कौन कौन सी है, तो प्रक्रिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है जो आप उसका प्रयोग करेंगे। और एनिमी कैरेक्टर एंड बेलिग्रेंट जो है नेक्स्ट टॉपिक है। एनिमी कैरेक्टर, शत्रु चरित्र, शत्रु चरित्र ये जो होता है, शत्रु चरित्र, आपको पता होना चाहिए कि जब किसी देश के संबंध किसी अन्य देश से बिगड़ जाते हैं तो बिगड़ने के दौरान ही युद्ध होता है, इसका प्रभाव भी तभी उत्पन्न होता है, ये तो मैंने आपको बताया है। लेकिन शत्रु चरित्र ऐसा होता है कि शत्रु पड़ोसी देश अपने ही भाग में आके वह जो है उस भूमि पर कुछ ऐसे आक्रमणकारी कार्य करता है
जिससे कि जनजीवन प्रभावित होता है और राष्ट्र की क्षति होती है। इस राष्ट्र की क्षति को जो भी क्षति प्रदान की जाती है उस क्षति को प्रदान करने की प्रक्रिया को सत्वचरित कहा जाता है। सत्वचरित एनमी कैरेक्टर, एनमी कैरेक्टर जो होता है वह लिप्त वह विलुप्त वह जो है आपको दिखाई नहीं देगा। घटना घटने के बाद एनमी कैरेक्टर का स्वरूप आपको स्पष्ट दिखाई देगा। घटना घटने के बाद एनमी कैरेक्टर का स्पष्ट स्वरूप दिखाई देगा। एनमी कैरेक्टर का स्वरूप घटना घटने के बाद ही दिखाई देता है। एनमी कैरेक्टर अपने ही कार्यों द्वारा देश में किस तरह कैसे साजिश रचता है उसकी अनदेखी उस देश की एजेंसियां और उस देश में कार्य करने वाली सरकारें उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर नजर रखें। अब देखिए एनमी कैरेक्टर में एक चीज और समझ लीजिए, एनमी कैरेक्टर जो होता है वह राष्ट्र के ऊपर एक ऐसा प्रहार होता है कि जो पड़ोसी देश है, जो एनमी देश है, शत्रु देश है, वह राष्ट्र को जिसके ऊपर प्रहार करता है उसे कमजोर करने तथा उसे क्षतिग्रस्त करने के लिए कार्य करता है। इसलिए इसके डिफेंसेस ऐसे हैं कि देश की जो भी एजेंसियां हैं उनको सतर्क और चैतन्य और जागरूक होना चाहिए और उस जागरूकता से उस पर निर्णय लेकर उसे घटना घटित होने से बचाना चाहिए। अब देखिए आज के टॉपिक में मैं आपको दो चीजें बताया, लॉ ऑफ वॉर, लीगल इफेक्ट ऑफ वॉर, कमेंसमेंट ऑफ वॉर, टर्मिनेशन ऑफ वॉर, एनमी कैरेक्टर एंड बेलिग्रेंट। अब एनमी कैरेक्टर मैंने आपको बताया जो भी एनमी कैरेक्टर है, अब बेलिग्रेंट और बेलिग्रेंट ऑक्यूपेशन जो है बेलिग्रेंट ऑक्यूपेशन क्या है? बेलिग्रेंट ऑक्यूपेशन आई हैव माने डिस्कस टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन सम स्टूडेंट्स आर कमिंग, टुडे इज संडे ड्यू टू दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग है, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड द फुल थ्योरी ऑफ बेलिग्रेंट कैरेक्टर एंड बेलिग्रेंट ऑफ एनिमी character enemy belligerent occupation। Thank you all of you, have a good day।